आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में आज सैन समाज केजरीवाल जी से मिलने पहुंचा अपनी मांगों को रखकर, और सैन समाज की जो दुर्दशा इस समय देश के अंदर है, क्योंकि बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि अपने पैतृक काम को करने के अलावा सैन समाज के युवाओं के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन फिर भी एक शोचनीय विषय है, शोचनीय है किस तरीके से सैन समाज के अपने पैतृक काम को ही करेगा इस आज़ाद देश के अंदर। क्या सैन समाज के युवाओं को डॉक्टर इंजीनियर बनना क्या लाजमी नहीं होगा? जैकसन ठाकुर साहब ने अभी एक बड़ी सभा की जिसमें केजरीवाल साहब से मिले और सैन समाज के लिए एक बहुत बड़े प्रतिनिधित्व का उन्होंने अध्यक्षता की और मिले। मैडम, क्या लगता है आपको, जो सवाल मैंने जैकसन ठाकुर साहब से पूछा, क्या सैन समाज सिर्फ बाली काटेगा, उसको आगे बढ़ने का कोई हक नहीं है? सैन समाज जो अपना काम कर रहा है उस काम को दूसरा समाज अपना है, वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं हमारा समाज हमेशा आगे रहे, हमेशा आगे रहा है और रहना भी चाहिए, क्योंकि इस समाज को अगर सुधरा हुआ रूप कोई समाज दे रहा है तो वो केवल और केवल सैन समाज है। मैडम, आज की तारीख में बनी है पंजाबियों की महिलाएं आज एक बड़े बड़े बैंकेट्स की, बड़े बड़े बार पार्लर्स की मालिकें हैं, क्या हमारे सैन समाज की एक भी महिला मालिकें हैं? सर बिल्कुल है, आप ग्रास रूट पर उतर के सच्चाई देखिए, हमारे इसकी पार्लर की मालकिन तो है ही है, इसके अलावा हमारे समाज की जो लड़की है वो बहुत अच्छे लेवल्स पे जॉब भी कर रही है, IAS IPS ऑफिसर भी है। जी 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 जी, नहीं मैंने सिर्फ, मेरा सवाल सिर्फ इतना था। है सर, बहुत बड़े लेवल पे पार्लर्स चल रहे हैं हम लोगों के। मेरा सिर्फ सवाल इतना था कि क्या हम इस आजाद देश के अंदर 70 साल बाद भी बाली काटेंगे, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते हमारे बच्चे? आप नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन उसके इतर क्या हम दूसरा पैसा नहीं कर सकते हैं? दूसरा पढ़ लिख कर ना सर, अब आप एक बात बताइए, अगर सैन समाज अपना ही काम छोड़ देगा तो फिर दूसरा समाज तो अपना ही रहा है ना उस चीज़। तो मतलब हमारे बच्चों को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है फिर तो, वो 10 साल के हैं और लग जाए दुकान खोलने। हमारे बच्चे वेल क्वालिफाइड है, किसी की भी क्वालिफिकेशन कम नहीं है आज के टाइम में जी, और क्वालिफिकेशन का बाल काटने से कोई भी लिंक नहीं है। जी जी जी, हम अपने क्वालिफिकेशन को डेवलप करते हैं, अपने अपने आप को डेवलप करने के लिए, लेकिन अपनी आजीविका को अपनाते हैं, अपने परिवार को, अपने समाज को डेवलप करते हैं। आप महिलाएं, महिला होने के नाते हमारे सैन समाज की महिलाओं को, रुकिए जरा, ये सोचने प्रश्न है, ताली बजाने की बात नहीं है, आप महिला हैं और बिल्कुल उन्मुक्त महिला हैं, खुलकर जवाब दे रही हैं, तो आज हमारे समाज की जो महिलाएं हैं जो घर से बाहर निकलना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैंने जानबूझकर ये सवाल आपसे पूछे कि कम से कम आप अंदर से निकल कर आए, खुल कर आए। मैं डॉक्टर नीरू सैन हूँ, समाज में एक चिरपरिचित नाम है, मैं सभी का, सैन समाज का खासतौर से धन्यवाद करती हूँ कि समाज मुझे नाम से जानता है जी, और यहाँ पर जितने भी भाई जिंदाबाद जी, खासतौर से मैं अपनी बहनों को, अपनी माताओं को, अपनी बेटियों को ये मैसेज जरूर देना चाहूंगी कि आप उन्मुक्त हैं, आप समाज के साथ हैं, समाज का अभिन्न हिस्सा हैं, आप आगे बढ़िए, समाज हमेशा आपका स्वागत करेगा। कम से कम महिला प्रथम शिक्षिका है तो अपने बच्चों को पढ़ाए जरूर जी, बिल्कुल, अगर एक महिला पढ़ती है तो हमेशा दो परिवारों को शिक्षा प्रदान करती है, तो कोशिश करें कि एजुकेशन पे और खासतौर से फीमेल एजुकेशन पे जरूर हम लोग काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, मैंने जानबूझकर आपसे ये सवाल पूछे कि कम से कम हमारे दूसरी जो समाज की महिलाएं हैं उन तक ये बड़ा मैसेज जाए, तो आप मिल रहे थे डॉक्टर साहब से और उन्हें खुलकर ये बात बोली है कि हमारे समाज के बच्चों को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, पैतृक काम की तरफ भी ध्यान दें, लेकिन जिस तरीके से देश बदला है, 21वीं सदी की तरफ हमारा देश जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे युवाओं को आगे आकर इस देश की बागडोर भी संभालनी चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद। थोड़ी थोड़ी जगह तो छोड़ो यार, हेलो, दो मिनट, अरे मीडिया वाले को तो आगे घुसने नहीं जाता, थोड़ा पीछे करो, ठीक है, मैं वहीं मिलूंगा आपको। हाँ सर, अरे भाई थोड़ी पीछे हो जाओ यार, सत्येंद्र पीछे हो जाओ, यहाँ बल्ले नंबर दो है, थोड़ा पीछे हो जाओ, बट यहाँ पीछे आ जाए, आगे आ जाइए, आप कल हेल्थ मिनिस्टर के यहाँ आ जाइए सुबह 10 बजे, सही, ठीक है, थोड़ा पीछे 2/8 राजनिवास मार्ग से मिलाएं, कोई है आपके साथ? ये लीजिए आप, आप एड्रेस तो मिल रहा है, खून की उल्टी करता है, खून आ जाता है, पूरे बदन में खून आ जाता है, जाओ एडमिट कराओ सर, एडमिट कराने के बाद कुछ पेपर दो। हाँ जी सर, ठीक है, अपने लायक कुछ बना कर एप्लीकेशन दी है। आज हम लोग पहुंचे हैं पूरी मीडिया के साथ में माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब के घर पर, और उनके घर पर आज सैन समाज का बहुत बड़ा हजूम, हजारों की संख्या में
लगभग 10-12 बस भरकर सैन समाज आज यहाँ पर आया है। आइए जानते हैं, जैकिसन ठाकुर हमारे साथ हैं जो इस पूरी मीटिंग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठाकुर जी, क्या मुख्य मांगे थी आप लोगों की जो आप मिले हैं वहाँ पर, और किस तरह का आश्वासन आपको मिला है मुख्यमंत्री जी से? देखिए, मुख्यमंत्री जी से हमने अभी एक साल पहले एक मांग रखी थी कि जो दिल्ली में जो गरीब और वंचित समाज के लोग हैं उनको IAS इंजीनियर डॉक्टर जो करने के लिए कोचिंग होती है, उस कोचिंग की जो फीस है करीब 2 लाख फीस होती है, तो उस फीस को फ्री किया जाए। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने उस बात को मानते हुए उन सभी वंचित वर्ग के, अति पिछड़े वर्ग के समाज के लोगों के लिए वो कोचिंग फ्री की। एक तो उसके लिए हमने उनको धन्यवाद देना था। दूसरा, जो सैन समाज के लोग दिल्ली में जो इस बार्बर का काम करते हैं, जो बहुत ही नीच स्तर पर वो बैठ के काम करते हैं, जिनका वो शोर कार्य है, जिनका वो पारंपरिक कार्य है, लेकिन आज भी उनका जो जीवन है वो बिल्कुल ज़मीन पे है। वो आज भी उनके पास ना कोई अच्छी सी दुकान है, ना वो इस कार्य करने के लिए अपने बच्चों को ठीक से एजुकेशन दे पाते हैं। तो हमारी लगातार मांग थी कि भाई उनके जीवन को किस तरह से आगे उठाया जा सके, उसको उठाने के लिए हमने कहा था कि किसी तरह का एक बोर्ड बनाया जाए जो जहां उनके लाभकारी योजनाएं बने उनके लिए, और उस लाभकारी योजना के जरिए उनको आगे बढ़ाया जाए। तो अरविंद केजरीवाल जी ने खुद संज्ञान लेते हुए उन सब बातों को मानते हुए अपनी कैबिनेट में उस केस कला बोर्ड का निर्माण किया है, और उन्होंने आज हमें यह आश्वासन दिया कि इस बोर्ड के माध्यम से हम जो हैं उस समाज के लोगों के लिए लाभकारी योजनाएं लाएंगे। और साथ में उन्होंने कहा जो आने वाली जनरेशन इस काम को करना चाहेगी उसको बाकायदा डिग्री डिप्लोमा देकर हम उसको आगे डिग्री डिप्लोमा देंगे, और उसको हम आगे काम करने के लिए जो बहुत सस्ते दर पे लोन दिलाएंगे। दूसरा, उन्होंने कहा जितने भी लोग इस काम को करते हैं उनका रजिस्ट्रेशन कर उनके परिवार के लिए और उनके लिए कुछ लाभकारी योजनाएं लागू करेंगे। आप नए समाज की बात करते हैं। हाँ। जो पिछले कई हजार वर्षों से इस देश के अंदर मूल निवासी की तरह रहा है, और उसके जो उसका वर्चस्व है वो कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले बढ़ा है। तो मैं इस कदम में ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जो नई समाज है हमारा, जो हमारा मूल निवासी समाज है, एक तो पैतृक काम को, जैसे कि मैंने पिछले इंटरव्यू में भी आपसे कहा था, आपने स्वयं ये माना था कि हाँ हमारे लोग जो है पैतृक काम को छोड़ते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या हम सिर्फ उनको नई समाज ही बनाकर रखेंगे? क्या उनको डॉक्टर समाज में परिवर्तित नहीं कर सकते, इंजीनियर समाज में परिवर्तित नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री नहीं बना सकते? सैन समाज का आज तक इतना बड़ा तबका होने के बावजूद एक राष्ट्रीय स्तर का नेता तक नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बार ऐसे मौके आए हैं कि हम लोगों ने बहुत कोशिश की है कि राष्ट्र लेवल पे या प्रदेश लेवल पे हमारा कोई इस तरह का नेता बने, लेकिन दुर्भाग्य है कि जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो समाज की गिनती करती है कि समाज क्या, जबकि ये समाज है कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पाया जाता है, और दिल्ली में तो लाखों की संख्या में ये समाज है, लेकिन क्योंकि एकजुटता की कमी थी, आज इस समाज ने दिखाया है केजरीवाल जी को, हजारों की संख्या में हमारे 2 दिन के आह्वान पर आज ये समाज मेरे एक आह्वान पर यहाँ केजरीवाल जी के निवास स्थान पहुँचा। उनके यहाँ बैठने की जो हजारों कुर्सियाँ थी वो आज पूरी तरह भरी हुई थी। मेरा सवाल जयकिशन जी सिर्फ इतना है, 200 गाड़ियाँ वाल्मीकि समाज को दी गई हैं, लेकिन वाल्मीकि समाज के बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर बनाने के लिए कोई कार्य नहीं किया गया है। नहीं, अभी लाखों की संख्या में नाई समाज के लिए, नाइयों की दुकान खोलने के लिए मुख्यमंत्री जी से आप आह्वान कर रहे हैं कि आप हमें लोन दीजिए? नहीं, हमने आपके बच्चे इंजीनियर डॉक्टर बनने का हक नहीं रखते क्या? बिल्कुल रखते हैं, और हमने इसके लिए जो आह्वान किया था एक साल पहले उसको उन्होंने लागू कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाई हमें अभी तक दिक्कत आती थी कि जो हमारा बच्चा 12वीं करने के बाद बहुत अच्छा नंबर लेके आता था, जिसकी इच्छा थी कि मैं इंजीनियर में जाऊं या मैं डॉक्टरी बनूं या मैं IAS बनूं, लेकिन उसके लिए जो कोचिंग होती है वो कोचिंग करने के लिए उसके पास फीस नहीं थी, जिस वजह से वो वहाँ बनने का सपना उसका साकार नहीं हो पाता था। क्या आपको नहीं लगता आपका मुख्य मुद्दा होना चाहिए था कि हमारे बच्चे 60% से पास होंगे तभी आप उनको आरक्षण देंगे? इस सीमा को घटाया जाए ना। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि स्वर्णों के बच्चे में जो AC के अंदर बैठकर बच्चा पढ़ रहा है, पर एक हमारा बच्चा जो बाल भी काट रहा है और रात में समय मिलने पर पढ़ भी रहा है, उन दोनों के बच्चों में एक फर्क है ना। बिल्कुल फर्क है। हमारा मुद्दा ये होना चाहिए था कि हमारा 60% के बच्चा जब पास हो जाएगा तभी आप उसको आरक्षण देंगे। नहीं, उन्होंने ये कहा है कि अगर वो बच्चा इस उसमें है और उसकी स्किल अच्छी है, डेवलप कर सकता है, तो अगर 50% भी अगर उसके नंबर है तो उसको इंजीनियरिंग के लिए या उसके लिए उसको दिया जाएगा और उसको मौका दिया जाएगा कि वो कोचिंग करके और ज़्यादा अच्छी पढ़ाई करके अपने नंबर लेके आए, जिससे कि वो इंजीनियर डॉक्टर और IAS की तैयारी में बैठ सके, ऐसा उन्होंने बोला है। चलिए साथियों, ये हमारे सैन समाज के हजारों
प्रतिनिधि जो आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिले, मुद्दे बहुत हो सकते थे, लेकिन चलिए कहीं ना कहीं इसी बहाने हमारा समाज कम से कम एक छतरी के नीचे तो आया। इन मुद्दों के ऊपर दोबारा फिर बात करेंगे, लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और जैक्सन ठाकुर जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतने बड़े संख्या में आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, कम से कम जागरूक तो हुए, जागरूक आज जागरूक हुए, कल तो अपनी मांगों को भी मांगेंगे। धन्यवाद। मैं मनोज अंतानी, समता आवाज़ से गुजारिश है, समता आवाज़ टीवी को जीवित रखने के लिए, समता आवाज़ टीवी को बचाने के लिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और उसके बराबर में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी जो नई अपडेट्स है वो आपको तुरंत मिलती रहे। समता आवाज़ की आपसे पुनः गुजारिश है, समता आवाज़ टीवी की हर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।